हेलो फ्रेंड्स, ये LDC का सेकंड चैप्टर से इंग्लिश हुआ है। इसका सोल्यूशन है, इसमें पहला क्वेश्चन, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम रीडिंग ट्रैश। इसका हो जाएगा, वाई शुड वन वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। द सनराइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसका होगा, हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज। असर्टिव टू एक्सेलरेटरी, आई विश आई न्यू मोर पीपल, इफ आई कुड नो मोर पीपल। इसका आंसर होगा, हु विल नॉट हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस। इसका होगा, एवरीबडी विल हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल वी एवर फॉरगेट अवर फ्रीडम फाइटर्स। एजर्टिव बनाना है इसका, वी शैल नेवर फॉरगेट अवर फ्रीडम फाइटर्स। हाउ अट्रैक्टिव द पिक्चर इज, द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव। इसका होगा, आई विश आई वर ए क्लाउन, इफ ओनली आई वर ए क्लाउन। इसका आंसर होगा, वाई आर यू लुकिंग एट। इसका आंसर होगा बी, दस में आएगा, वाई आर लुकिंग एट द स्काई। नेक्स्ट, हाउ अट्रैक्टिव द पिक्चर इज, कर लिया है, द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। द इसमें आएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। द शिप पास्ट है, यस्टरडे पास्ट है, एब्सोल्यूट पास्ट है, तो सेंक सेकंड फॉर्म आएगी, सेंक, ए राइट हो जाएगा, सेंक। दे स्पीक पंजाबी, वे पंजाबी बोलते हैं। इसका होगा, पंजाबी इज स्पोकन बाय देम। इसका डी हो जाएगा, पंजाबी इज स्पोकन बाय देम। 86, दे वेजिटेबल लास्ट वीक, लास्ट वीक एब्सोल्यूट पास्ट है, सेकंड फॉर्म बोट आएगा इसमें, बोट सही आंसर हो जाएगा, बोट। द टीचर सेड दैट ऑयल, यहाँ कोई टीचर तथ्य बता रहा है, तथ्य की बात कर रहा है कि तेल है वो पानी पर तैरता है, फ्लॉट्स फर्स्ट फॉर्म आएगी और फ्लॉट्स इसका आंसर हो जाएगा। द स्काई क्रेपर वाज इनगल्फ्ड इन फायर, तो ये पैसिव इसका एक्टिव हो जाएगा, द फायर इनगल्फ्ड द स्काई क्रेपर। आई एम नोन टू एम आर सीमा, तो एम आर सीमा नोस मी, इसका हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, ये पैसिव दे रखा था, ये रखा एम आर सीमा नोस मी 92, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इट इज़ टाइम यू, जब भी इट इज़ टाइम आता है तो सेकंड फॉर्म आती है, वेंट होगा इसका सही आंसर। द टीचर शेयर दैट द ऑयली, हो कर लिया है। अनिता सा पिक्चर, ए पिक्चर वॉज सीन बाई अनिता, डोंट गो देयर ही सेड, ही सेड देम नॉट टू गो देयर हो जाएगा। देर वॉज नॉट फूड इन द हाउस, घर में भोजन नहीं था, एनफ इसका आंसर होगा, देर वॉज नॉट एनफ फूड इन द हाउस। द स्कीम वॉज क्लोज बिकॉज, स्कीम बंद कर दी गई थी, इसका मतलब किसी भी ने भी उसमें अप्लाई नहीं किया, तो फ्यू आएगा इसका आंसर, फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। देर इज़ ए वॉल, एक दीवार है मकान और पेड़ के बीच में, तो बिटवीन आएगा, दो चीज़ों की बात हो रही है, बिटवीन। वह दौड़ रही है, इजी है, सी इज रनिंग। द वाइस चांसलर केप द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, वाइस चांसलर ने जितने भी स्टाफ थे उनको सभी को इंतज़ार, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, तो द स्टाफ मेंबर्स वो कैप्ट वेटिंग बाय द वाइस चांसलर, इसका आंसर हो जाएगा। देर इज ए वाली, कर लिया है। माई यंगर सिस्टर वॉज बॉर्न ऑन द ईव ऑफ दिवाली, ऑन ए सही आंसर होगा। तो वाइस चांसलर केप द स्टाफ हो गया है, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी पहले गई थी, गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी पहले गई थी, मैं बाद में गया था, तो मैं तो पहले आएगा पास्ट परफेक्ट, द ट्रेन हैज हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। दिस इज एन इन हाउस प्रोडक्ट, केवल घर में बढ़ता है, बाहर नहीं मिलता है। दिस इज एन इन हाउस, डी सही आंसर होगा। ये रहा मेरे स्टेशन से, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। फिल इन द ब्लैंक, डोंट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के सारे सारे मत चलो। ये पैसेज है, पैसेज के क्वेश्चन मैंने नहीं किया, पैसेज बोल दीजिए, इसे आप कर सकते हैं। ही कुड नॉट बीयर, बीयर का मतलब साइन करना, BER, बी सही आंसर हो सकता है। कैप्टन लेड, LED सेकंड फॉर्म होगा, LED का सेकंड फॉर्म होगा LED। और द इफेक्ट ऑफ द न्यू मेडिसिन, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, EFFECT, डी सही आंसर हो गया। वी कैन पे टू हिम रियल ट्रिब्यूट बाई फॉलोइंग द फाथ ही शुड, ये पैसेज का क्वेश्चन है। नोटिस ब्रीफ और फॉर्मल, सी सही आंसर होगा। वाई इज कॉल्ड द ग्रेट, डियर मैडम डियर सर, अगर तो योर्स फैथफुली सही आंसर, सी सही आंसर होगा, योर्स फैथफुली। नोटिस ब्रीफ एंड फॉर्मल, जर्गन का प्रयोग लेटर उसमें होना नहीं चाहिए, ऑफिस लेटर में जर्गन, इसका सही आंसर होगा, ए सही आंसर होगा। लैंग्वेज टेंडर, टेंडर में जो होती है ऑब्जेक्टिव एंड वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट टू हार्स एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड सही आंसर इसका। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। टुमारो इज नॉट ए हॉलीडे, टुमारो इज